हेलो फ्रेंड्स, जसबीर क्रिएशन में आप सब बहनों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए पिकॉट कास्ट ऑन लेके आई हूँ। ये फंदे जो हैं, ये जैसे लैस होती है वैसे, पिको टाइप लैस होती है वैसे ही हमने फंदे डालने हैं, और इसके ऊपर हमने बॉर्डर स्टार्ट करना है। और इसको कैसे करना है ये आज हम आपको नए तरीके से सिखा रहे हैं कि इसको ऐसे थोड़ा सा हैवी लुक कैसे आए। हम सिंगल पीस नहीं लेंगे, हम डबल पीस से फंदे डालेंगे। जे हम सिंगल पीस, एक सिंगल पीस लेंगे, एक डबल लेंगे। तो इसको हमने कैसे बनाया है, आपने जितने भी फंदे रखने हैं अपने प्रोजेक्ट में उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो जे हमने बनाया है, अब हम दूसरे कलर पे इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने फंदे डालने होते हैं सिंपल, तो सिंपल फंदों के हिसाब से ही हमने ये फंदे डालने हैं। तो वैसे तो इसमें सिंगल पीस लेकर फंदे डालते हैं, हमने क्या करना है, हमने डबल पीस लेना है। और जितने फंदे आपने रखने हैं अपने प्रोजेक्ट पे, 50 रखने हैं, 100 रखने हैं, उसी हिसाब से जैसे आप थ्रेड को लेते हैं, जितना आपको थ्रेड चाहिए डबल तो आप लेते हैं। डिज़ाइनर फंदे डालते हैं उसमें भी आप 3 पीस करके लेते हैं, तो इसमें आप डबल पीस कीजिए और जहाँ आप फंदा बनाइए, चाहे आप जहाँ से थ्रेड को बाइंड कर लीजिए कि बाहर ना आए, ऐसे आपने जैसे बाइंड किया है ऐसे ही आपने बाइंड करना है। तो इसको ऐसे हमने इसमें से निकाल लेना है, ऐसे जैसे हम फंदे डालना अपने प्रोजेक्ट में बताते हैं वैसे ही आपने फंदे डालने हैं। ये जो 2 पीस है इसको इस हाथ में लेना है, और जो गोला है, गोले वाला पीस है, वो इस हाथ में सिंगल लेना है, जिससे हमने फंदे बनाने हैं, बुनना है जिससे। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा हमारा डल चुका है, ये देखिए सिलाई घुमा ली, एक फंदा हमारा बन गया है। अब हम दूसरा फंदा डाल लेंगे सिंपल, ऐसे उंगली से डालते हैं, सिंपल ही सिखाते हैं हम। फिर ऐसे थ्रेड ऊपर से घुमाकर एक फंदा बना लिया, हमारे पास 2 फंदे हो गए। अब हम तीसरा फंदा बनाएंगे ऐसे, 3, अब हम 4 फंदा, चौथा फंदा बनाएंगे। तो हमारे पास ये डबल है पीस, इसी से फंदे डालने हैं, ऐसे घुमाना है उंगली से। ये सिंगल है, सिंगल को हमने ऊपर से घुमाना है। तो हमारे कितने फंदे हो गए, 4। ये फंदे तो हम डालते ही हैं हर प्रोजेक्ट में, सिंपल, चाहे 2 थ्रेड से डालिए, चाहे 3 से 4, जिसने जितनी आपको लेंथ मोटी चाहिए उतने ही आप फंदे डाल सकते हैं। तो हमने देखिए जहाँ थोड़ा मोटा मोटा पीस आया है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो 4 फंदे डाले हैं, ये डबल पीस है, इसको जहीं रखेंगे ऐसे, और सिंगल पीस से हम बुनेंगे। तो हमने क्या करना है, एक पीस फंदा बुन लिया, फिर हमने 4 फंदों में से दूसरा फंदा भी बुन लिया। अब इस फंदे को, बुने हुए को ऊपर से निकाल लेंगे, फिर इस फंदे तीसरे फंदे को भी बुनेंगे, इसको ऊपर से निकाल देंगे, तो इसको इधर ले आएंगे। तो हमारे कितने फंदे हो गए, 2। अब हमने इसी हाथ से सिलाई पकड़ लेनी है और जहीं से 4 फंदे और डालने हैं ऐसे, 1, 2, ऐसे घुमा के, 3, ऐसे घुमा के उंगली से, 4। तो 4 फंदे हमने फिर डाल लिए ऐसे, 2 फंदे हमारे जे बने हैं, ये 4 फंदे हमने नए डाले हैं। इस थ्रेड को इन उंगलियों में रख लेंगे, 2 वाला थ्रेड जिससे हम फंदे डाले हैं, सिंगल पीस गोले वाले को से हम बुने, सीधा फंदा बुना, फिर दूसरा भी सीधा बुना, इसको ऊपर से निकाल दिया, फिर आगे का फंदा बुना, इसको भी ऊपर से निकाल दिया, 3। अब ये फंदे को हम जहाँ पे रख लेंगे इस फंदे को नहीं बुनेंगे। तो हमारे कितने फंदे हो गए, 4। फिर हम सिलाई रखेंगे,
दो थ्रेड को पकड़ेंगे सिलाई पे और चार फंदे डालेंगे। एक बार ऊपर से घुमाया, एक दो दो तीन और चार, तो हमारे चार फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, डाले हैं। देखिए जे चार फंदे डाले हैं। इस थ्रेड को यहीं रखेंगे और इसको बुनेंगे। एक बार बुन लिया, दूसरे को भी बुन लिया, इसको ऊपर से निकाल दिया, इसको बुन लिया तीसरे फंदे को और ऊपर से निकाल दिया और इसको जहाँ पे ले आए, तो हमारे कितने फंदे हो गए, ये देखिए दो चार छः फंदे हो गए और ये डिज़ाइन भी बन गया। अब हम फिर चार फंदे डालेंगे, सिलाई रख देंगे, ये दो वाला पीस पकड़ेंगे, ये सिंगल गोले वाला जिससे हम बुनते हैं, इधर ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे हम एक फंदा डाल लेंगे, एक फंदा डाला, फिर हमने दूसरा फंदा डाला, फिर हमने तीसरा फंदा डाला और चौथा फंदा, जैसे फंदे डालते हैं। तो चार हमने फंदे डाल लिए हैं, चारों पे ही डिज़ाइन आएगा। इसको पकड़ लिया है, इससे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे बुने, इसको ऊपर से निकाल दिया, फिर तीसरा फंदा बुना और इसको ऊपर से निकाल दिया और इसको यहीं पे रख लिया। ये देखिए ऐसे हमारे फंदे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार और बता देते हैं, ऐसे ये पीस को पकड़ा, क्योंकि ये देखिए जितने फंदे डालने हैं उसी हिसाब से हमने वूलन ली है। एक बार दो तीन और चार, तो चार फंदे हमने डाल लिए हैं। इसके अलावा जो हमने नए चार फंदे डाले हैं उसी को हमने बुनना है, तो हम दो फंदे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे बुने, इस फंदे को ऊपर से निकाल दिया, तीसरा फंदा भी बुना और इसको भी ऊपर से निकाल दिया और यहीं पे रख लिया। तो हमारे कितने फंदे हो गए, दो चार छः आठ दस। इसको हम आगे बॉर्डर जो बुनेंगे सीधा उल्टा, इसको सीधा रखेंगे, उल्टा सीधा उल्टा, ऐसे हम बॉर्डर बना सकते हैं। उल्टा उल्टे सिलाइयों, सीधी सीधी सिलाइयाँ बुन के भी बॉर्डर बना सकते हैं, दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो जो ये नीचे का बॉर्डर है हमारा, तो आपने ऐसे ही फंदे डालने हैं फ्रेंड्स और फिर इसको बुनना है। बुनना हम आपको बता देते हैं, चाहे तो आप ऐसे सीधा बुनिए, बॉर्डर टाइप आपने बुनना है, चाहे आप ऐसे दो उल्टे बुनिए और दो सीधे, ऐसा बॉर्डर भी बना सकते हैं, ये देखिए। और आप सीधा सीधा बुनकर भी बॉर्डर बना सकते हैं, जैसे आप सीधा सीधा बुनेंगे तो बॉर्डर बन जाएगा, फिर उधर से भी सीधा जैसे बनाएंगे, ये देखिए हम थोड़ा सा बना के आपको दिखाते हैं, उधर से भी सीधा, क्योंकि कई हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि बॉर्डर कैसे बनाएंगे, फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसी के ऊपर हम बॉर्डर भी बना सकते हैं, ये देखिए। और नीचे आपका ये लेस वाला डिज़ाइन आएगा, पिकॉट कास्ट ऑन इसको बोलते हैं, ये फंदे हैं, इसके ऊपर आप जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ऐसा ही बनाइए, थोड़े से फंदे डालकर और दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये वाले फंदे भी डाल लिए हैं, तो ऐसे ही आपने फंदे डालने हैं।
तो दोनों फंदे डालकर रेडी हैं, पीकॉट कास्ट ऑन है। तो आप भी ऐसे ही फंदे अपने प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। जब हम कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं और जब उसको बाइंड करते हैं तो बाइंड भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर आएगा वो हम आपको दिखाते हैं एक पीस। हाँ फ्रेंड, जो वो हमने सॉक्स पे बनाया था अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर उसको जब बाइंड करते हैं तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो इतना ही देखने के लिए फ्रेंड्स, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। जो और कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।